मेरे को पता है ये दुख दर्द हर एक लो एंड पीसी गेमर के साथ है। गेम इतना ज्यादा लैग करता है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर नए पीसी की डिमांड करी तो फिर पीछे से उड़ती हुई चप्पल आती है मम्मी की। लेकिन इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हारा गेम ऐसे से ऐसा करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरी देखना, अगर एक भी स्टेप मिस करा तो तुम बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं तुमको एक बार अपनी वीडियो सेटिंग को रीसेट करके दिखा देता हूँ कि मेरे नॉर्मल माइनक्राफ्ट में कितने FPS आते हैं। इसमें मेरे आ रहे हैं अराउंड 50 FPS, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार है। सबसे पहले तुम लोगों को कुछ विंडोज़ की सेटिंग करनी पड़ेगी। तुमको सर्च बार पे क्लिक करना है और टाइप करना है चूज़ अ पावर प्लान। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे बैलेंस पे सेट होगा, उसको चेंज करके तुमको हाई परफॉर्मेंस पे कर देना है। इससे तुमको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी। अब तुमको जाना है सर्च पे और टाइप करना है ग्राफिक सेटिंग्स। ग्राफिक सेटिंग में जाने के बाद तुमको ब्राउज करना है और जाना है सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स, जावा। और यहाँ पे मेरे पता नहीं दो क्यों आ रहे हैं, तुम्हारे एक ही आएगा। और जो भी आएगा उस पर क्लिक करना है, बिन पे जाना है और यहाँ पे जावा W को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद तुमको ऑप्शंस पे जाना है और उसको हाई पे सेट कर देना है। इससे तुम्हारा जावा हाई परफॉर्मेंस पे चलेगा और तुमको मैक्सिमम FPS आएंगे। अब तुमको एक बार फिर से जाना है सर्च पे और सर्च करना है बैकग्राउंड ऐप। बैकग्राउंड ऐप्स पे जाने के बाद यहाँ पे सारे बैकग्राउंड ऐप्स को ऑफ कर देना है। अब बढ़ते हैं डायरेक्ट टी लॉन्चर की सेटिंग्स की तरफ। यहाँ पे तुमको मेमोरी एलोकेशन दिखेगा। अब जितनी तुम्हारे पास रैम है तुमको उसकी आधी रैम यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे 2 GB रैम सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे तुमको वर्जन सिलेक्ट करना है और वर्जन में तुमको फैब्रिक वाला वर्जन सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फैब्रिक 1.20 सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर तुमको गेम रन करना है। और एक चीज़ तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी सेटिंग्स ऑप्टिफाइन वाली होगी और तुम्हारा गेम वही पहले की तरह बहुत लैग करेगा। इसलिए तुमको ये वाली सेटिंग्स अप्लाई कर देनी है। चाहे तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अभी अप्लाई कर दो। उसके बाद जब तुम गेम चलाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा गेम कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया है। और अगर फिर भी तुम्हारा गेम थोड़ा बहुत लैग करता है, बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, तो तुम मेरा टेक्सचर पैक भी यूज़ कर सकते हो जो कि मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में है। और यही था आज की वीडियो में। तुम्हारा लैग फिक्स हुआ या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ तुमको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए।